मोर्चा टिड्डी दल प्रशासन ने संभाला मोर्चा। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव द्वारा जनपद में टिड्डी दल के आने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पूरनपुर व कलिंगा तहसील क्षेत्र का भ्रमण जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने उपनिदेशक कृषि को निर्देशित किया गया दवाइयां स्प्रे संबंधी समस्त मशीनें तैयार कर आवश्यक स्थानों पर तैनात कर दी जाए और प्रत्येक स्थल पर जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती कर दी जाए। आज भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सक्रिया कलिंग भैरव कला मथना का भ्रमण किया गया। इस दौरान किसानों से जानकारी प्राप्त की गई और उनसे सतर्क रहने की अपील की गई तथा दल दिखाई देने पर उसकी सूचना तत्काल प्रशासन को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित उपजिलाधिकारी व खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लेखपालों व ग्राम प्रधानों के माध्यम से किसान बंधुओं की सतर्क करने के निर्देश दिए जाए। टिड्डों ने दस्तक दे दी है पीलीभीत में, क्या करा जा रहा है, किस तरह कार्रवाई की जा रही है? आज टिड्डी दल ने यहाँ प्रवेश किया है जनपद खीरी से होते हुए और वर्तमान में हमारी लगभग 149 टीमें हैं जिसको ट्रैक कर रही हैं, लेकिन इस समय वो लगभग स्कैटर्ड पोजीशन में हैं। तो उन सारी पोजीशन को हम ट्रैक कर रहे हैं जहाँ पर अलग अलग दिशाओं में ये जा रहे हैं और जहाँ पर भी इनके बैठने की संभावना होगी तो हमारी तैयारियाँ पूरी हैं और रात में हम सारी टिड्डियों को नष्ट कर रहे हैं। किस तरह की तरीका अपनाया जा रहा है इसमें? हमारे पूरे स्प्रेयर के साथ मशीनें तैयार हैं, हमारे लगभग 225 वाहन तैयार हैं। तो इस साथ पोर्टेबल जो किसानों के पास मशीनें होती हैं उनके साथ भी हमारी पूरी तैयारी है। केमिकल हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है, तो जैसे ही ये रात में शाम होते ही जैसे ही ये बैठेंगी तो उस पर उनके पास स्प्रे किया जाएगा।